हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल एंड इट इज़ सैटरडे मॉर्निंग, जो बहुत लेट शुरू होती है हमारी आजकल। अगैन, जैसे कि पहले बताया, ईवी जब सुबह को सोती है तो फिर हम लोग भी सोए रहते हैं बिकॉज देयर इज नो स्कूल रन। तो साहब जा रहे हैं वैक्यूम करने ऊपर, वो दोनों बहनें उधर हैं। ईवी इज इन दैट मोड कि वो कभी आंखें बंद कर रही है, कभी खोल रही है, तो अपने बाउंसर में है। और हाँ जी, आई विल सी बेटा, शाम को है ना, आज अद्वी का हॉर्स राइडिंग लेसन है तो वो शाम को जाने वाली है एंड शी वॉन्ट्स मी टू कम विद हर। बेटा मुझे ईवी के पास जाऊंगी ना, ठंड है ना इसलिए। Bring Evie. नहीं, बहुत ठंड है बेटा शाम को। Bring her little hat. चलो बुलाया उसने, ये बंद कर लेना बेटा, अनियन की स्मेल जा रही है उधर, ठीक है, आपकी आईज भी रेड हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने विनेगर निकाल के रखा है और जार हैं ये क्लीन कर दिए हैं और वहां पर है ढेर सारी अनियंस, आपको दिखाई दे रही होंगी, शैलट्स भी हैं उसमें और रेड वाली अनियन भी है, ये रही यहाँ पे। और साथ ही इस बोल में बीटरूट कट करके रखा है, ग्रीन चिली है और जिंजर है। जिंजर थोड़ा सा ही बचा हुआ था और लंबा लंबा आप काट के ऐड करें, मेरे पास इतना ही है तो बस मैं यही ऐड करूंगी। और सिरके वाली जो प्याज होती है ना, वैसे इंडिया में तो वो बिल्कुल छोटी छोटी सी मिल जाती है ना शैलट्स, यहाँ पे ये थोड़े बिग साइज की मिलती है। तो व्हाटएवर जो भी है अवेलेबल उसी के साथ बनाएंगे, टेस्ट सेम ही आता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने जार ले लिया है और थोड़ा सा गीला है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम कोई ऑयल वगैरह यूज नहीं करने वाले, इसके अंदर ऑलरेडी पानी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऑयल वाला चार बनाते हैं तो फिर आपका जार ड्राई होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है बनाना, व्हाइट विनेगर मैंने लिया है तो एक पार्ट आपको व्हाइट विनेगर लेना है और तीन पार्ट इसके अंदर आपको वाटर के ऐड करने हैं और साथ ही थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है, थोड़ी सी शुगर और अनियन, साथ ही बीटरूट, जिंजर और ग्रीन चिली। तो वो सारी चीजें मैं ऐड कर देती हूँ फटाफट। यहाँ पे शैलट्स का हमारा जो प्याज का अचार होता है सिरके वाला, वो रेडी हो गया है। अब रेड अनियंस का मैं डालने वाली हूँ और ये ब्लैक सिरके के साथ होता है तो मैं यहाँ पे बाल्समिक विनेगर जो है वो यूज कर रही हूँ। ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, आपके पास काले वाला सिरका हो तो सेम यही आपको रेशो रखनी है कि एक पार्ट विनेगर रहना है और तीन पार्ट उसमें पानी एड करना है। बट क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो मैं एक पार्ट ये विनेगर ले रही हूँ और चार पार्ट इसके अंदर पानी एड करूंगी और सेम बाकी की चीजें लाइक थोड़ा सी शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके और बना दूंगी। We'll be right back.
तड़के वाली हमारी दोनों तरह की प्याज रेडी हो गई हैं और बस अब मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी. विद इन टू डेज दे आर रेडी टू ईट और फ्रिज में ये आराम से 2 महीने तक चल जाती हैं और सर्दियों में तो ये बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली साग के साथ. और जो ये काले सरके वाली मैंने डाली है ना, इसके अंदर मैं मूली भी ऐड करूंगी. फिलहाल नहीं है, ग्रोसरी आएगी तो तब मैं कट करके वो भी डाल दूंगी. तो सरके वाली मूली प्याज बहुत अच्छी लगती है. आप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, आप गोभी भी ऐड कर सकते हैं, बट गोभी मेरे घर में कोई इतने शौक से खाता नहीं है सिरके वाली, तो इसलिए मैं नहीं वो डालती हूँ. बाकी अच्छी बहुत लगी, लाइक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बट फिर वो ये हो जाता है कि मेरे ही हिस्से रह जाती है एंड बीइंग थायराइड पेशेंट मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ गोभी खाना, बहुत मॉडरेशन में लेती हूँ. तो इसके अंदर आप मूली वगैरह भी डाल सकते हैं. तो बस अब मैं इनको फ्रिज में रखती हूँ एंड यस टेस्टी हमारी पिकल्ड अनियंस आर रेडी. And now it is cleaning time. और साहब यहाँ पे वैक्यूम कर रहे हैं. बड़े वाला वैक्यूम हम वीकली बेसिस पे ही यूज करते हैं, डेली जो कॉर्डलेस वैक्यूम है उसी से हर फ्लोर की अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं. इवन दिन में 2 बार भी हो ही जाती है, बस जो बड़ा वैक्यूम है वो तो हफ्ते में 1 ही बार हो पाता है. ऑल राइट, तो जब तक क्लीनिंग होती है तब तक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही प्रेशियस सी मेमोरी, और वो है ईवी के फर्स्ट बाथ की, और जो उसने 2 हफ्ते के होने पर लिया था. एक्चुअली उसका बर्थ वेट बहुत कम था और डॉक्टर ने कहा था कि 2 हफ्ते तक उसको बाथ नहीं देना है, तो 2 हफ्ते के बाद हमने उसको दिया था और तब की कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करी थी. देन आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल. तो चलिए इंजॉय कीजिए. गुड मॉर्निंग. और आज है ईवी का फर्स्ट बाथ, है ना? फर्स्ट बाथ. अब तो स्पंज वाइब हो रहा था और आज जो इसका फर्स्ट बाद हो जाएगा. छूना को चुभे चुभे सबसे पहले कौन नहाएगा घर में? ईवी ये नहाएगी सबसे पहले. चलो पोटू कर रखिए, पहले इसकी पोटू क्लीन कर ले. और यहाँ पे सारी चीज रेडी कर दी हमने. बाथ टब है, उधर वार्म वाटर रख लिया है. और पहले क्या करेंगे, गंदी नैपी निकालते हैं और इसके बाद चावल चावल देते हैं और हीटर चला के सब कुछ वॉर्म वॉर्म कर लेता है हमने सब कुछ वॉर्म वॉर्म.
और ये थी कुछ क्लिप्स अवनी के फर्स्ट बात की, और उसने इंजॉय किया. कई बार बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, बट शी वॉज नॉट क्राइंग एट ऑल, टच वुड. अदवी का जो पहला बात था वो हॉस्पिटल में ही हो गया था बिकॉज शी वॉज फाइन, लेकिन अवनी जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी रही थी, और उसके बाद फिर हम लोग आईसीयू में भी थे, तो इस वजह से उसका थोड़ा सा रूटीन जो है वो थोड़ा लेट चल रहा है. तो अदवी का तो हॉस्पिटल में ही हो गया था सब कुछ, लेकिन अवनी के लिए हमें वेट करना पड़ा 2 हफ्ते तक. बट वॉट एवर, शी इन्जॉयड एंड वी सेव्ड दिस मेमोरी, एंड आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा. और अब यहाँ पे तैयारी चल रही है लंच की, और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कुछ बहुत ही ब्यूटिफुल सी चीज़ें. मुझे आपको दिखाने हैं 3 गाउन, और ये गाउन मुझे बहुत टाइम पहले रिसीव हो गए थे, लाइक ऑलमोस्ट 2-2.5 महीना हो चुका है. मैंने शायद अपने पहले किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि एवर प्रिटी ब्रांड ने मुझे मटर्निटी गाउन भेजे थे फॉर मटर्निटी फोटोशूट, लेकिन हमारा शूट जो है वो बीच में ही रह गया था. जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं दे ऑल नो कि क्या हुआ है पिछले 2-2.5 महीने में लाइफ में. तो ये गाउन तब से रखे ही हुए थे, इवन ट्राई ऑन वगैरह कुछ भी नहीं किया था, पैक्ड रखे हुए थे. उनको बोला भी था मैंने कि आप इनको वापस मंगवा लो क्योंकि अब वो चीजें हो नहीं सकती हैं कुछ भी. तो उनको सारी चीजें बताई थी कि हाँ कैसे कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला इट्स ओके यू टेक योर टाइम, और जरूरी नहीं है कि आप दिखाओ. इनको वापस भी नहीं मंगाए उन्होंने मुझसे, और ये भी बोल दिया था कि ना दिखाओ. लेकिन मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे ही नहीं सामान रख सकती हूँ. अगर मैं रिव्यू कर देती हूँ तो एटलीस्ट वो एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ मेरा एक जो जॉब है वो मेरा पार्ट उसमें डन हो गया, ब्रांड ने मुझे कुछ भेजा है, मैंने रिव्यू कर दिया है, जॉब इज डन. लेकिन ये जब सामान आके ऐसे ही रखा जाता है और ब्रांड बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं क्योंकि इतना कुछ हो गया है, तो वो मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं आ पा रहा था. देन आई थॉट कि चलिए मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर देती हूँ. मैंने इसका ट्राई ऑन पार्ट भी रिकॉर्ड कर लिया है. मटर्निटी ड्रेसेज है तो वो मैं बम्प के साथ तो नहीं दिखा सकती हूँ आप लोगों को, बट जनरली भी आप इनको वेयर कर सकते हैं. तो गाउन भेजे हैं मुझे एवर प्रिटी ब्रांड ने. इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, साथ ही ये जो 3 गाउन है इनका भी मैं लिंक डाल दूंगी. बहुत ही अच्छा स्टफ रहता है, मैंने इनसे बहुत सारी चीजें खरीदी हैं पहले भी, और मैंने आपके साथ शेयर भी करी, और टाइम टू टाइम इन लोगों ने एज ए कोलैब इन्होंने मुझे भेजी भी है, वो भी मैंने शेयर करी, और हर वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि क्या मैंने खुद से खरीदा और क्या मुझे ब्रांड ने सेंड करा है. तो ये चीजें जो है, जो 3 गाउन है, ये मुझे ब्रांड ने ही सेंड करे थे, इनके लिए मैंने कुछ भी पे नहीं किया है. एट द मोमेंट इनकी वेबसाइट पे ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो आप चेकआउट कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे मैं सारी चीजें मेंशन कर दूंगी, और अगर मेरे थ्रू कोई प्रोमो कोड हुआ तो मैं वो भी मेंशन कर दूंगी, मैं एक बार कंफर्म करके, और सारी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो डू चेक इट आउट. और गाउन इनके बहुत अच्छे होते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने लिए भी हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स भी भेजी हैं. आपका फीडबैक हमेशा पॉजिटिव आया है एंड आई फील सो ग्लैड कि चलिए मैं कुछ अगर रिव्यू शेयर करती हूँ तो आप लोगों के काम आता है और आप लोग इंजॉय भी करते हैं और एक भरोसा भी दिखाते हैं. सो चलिए बिना किसी डिले के दिखा देती हूँ मैं आपको गाउन. तो सबसे पहला है ये बहुत ही प्रिटी सा लाइट ब्लू कलर का गाउन, और ना फ्रंट में इसके स्क्वायर नेक है और बैक में इसकी वी नेक है, और इस तरह की ये लोटस स्लीव्स है इसकी, और सीक्वेंस वर्क है फ्रंट में इसका, और पूरा जो है फ्लोर लेंथ वाला है ये, और ट्रिपल लेयरिंग है इसमें, ऊपर नेट है इसके बाद डबल नेट है इस तरह से, ये दिखाई देगा, एक नेट ये है और एक ये है, डबल नेट है, और इसके नीचे फिर ये वाला अस्तर है इसका. इनके जितने भी गाउन होते हैं ना कोई भी सी थ्रू नहीं होता है, मैंने बहुत सारे ट्राई किए हुए हैं, कोई भी सी थ्रू नहीं है और सब बहुत कंफर्टेबल. साथ ही इनकी जो नेट होती है ना वो बहुत प्रिटी होती है. ट्राई ऑन पार्ट जो है वो मैं साथ साथ स्क्रीन पे डालती जाऊंगी, तो आप देख लेना, उससे पता लग जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये कैसा लग रहा है. तो पूरा फ्लोर लेंथ का बहुत ही प्रिटी ब्लूइश कलर का था, तो ये वो गाउन था जो मैंने डिसाइड किया हुआ था कि अपने फोटोशूट में जो मेरी थर्ड ड्रेस होनी थी वो ये वाली होनी थी, लेकिन 2 के बाद ही हमारा जो शूट है वो इनकम्प्लीट रह गया और इसको पहनने का मौका ही नहीं मिला. और यस, तो पहली ड्रेस है ये वाली, बहुत ही प्रिटी है ये वाली. इसके बाद जो सेकेंड ड्रेस है वो है ये पीच कलर की, और इसका वी नेक है,
फ्रंट और बैक, और उन लोगों ने मुझे ये साइज 18 में भेजी थी। ऑब्वियसली उस टाइम पे साइज बढ़ा हुआ था। अभी जब मैंने ये ट्राई करी है तो ये बहुत लूज आ रही है मुझे। इवन दो जो नेक लाइन है वो भी थोड़ी सी नीचे जा रही है। ये सारी चीजें भी फिर साइज के हिसाब से ही होती हैं। तो आप अपना मेजरमेंट वगैरह लेके उस हिसाब से देखें। मुझे भी फिलहाल तो ये काफी ढीली आ रही है, तो इस तरह से है, बट प्रिटी है बहुत। और इसका जो ये डिजाइन है ना, इसमें सामने ना इस तरह से ये रफल्स बने हुए हैं, इनसे बड़ा अच्छा डिजाइन आता है। लाइक अगर बेबी बम्प के साथ आप लेना तो वो अलग से ही एक ग्रेस आता है उसका, तो बहुत सुंदर लगेगी ये वाली ड्रेस। तो अगर आप लोग भी अपना मैटरनिटी शूट इस जर्नी में हैं और वो करना चाह रहे हैं तो ट्राई इट आउट, एक बार चेक कर लेना इनका पूरा मैटरनिटी कलेक्शन, आपको कोई ना कोई ड्रेस तो पसंद आ ही जाएगी। अगेन ये भी फ्लोर लेंथ की है, ट्रिपल लेयर है, इसमें भी सी थ्रू नहीं है और बहुत ही ब्यूटीफुल सी है ये वाली ड्रेस इस तरह से। और पीछे इस तरह से प्लेन है, आगे तो जैसे ये रफल्स हैं पीछे से ये प्लेन है। सो ब्यूटीफुल, नाइस। सेकंड ड्रेस ये वाली, और थर्ड ड्रेस है ये लेवेंडर कलर की, और इसकी जो है ना ये स्पगेटी जो है वो स्लीव्स बोल दें या इस तरह से स्ट्रैप वाली है। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इस तरह की थिन स्ट्रैप्स के साथ तो आप चाहें तो इसके ऊपर श्रग ले लें। और फ्रंट पे इस तरह से ये लेयरिंग है और फ्लोर लेंथ का अगेन ट्रिपल लेयरिंग है इसकी। ये वाला बहुत सुंदर है, इसका जो कलर है ना वो एकदम से उभर के आता है और सबके ऊपर ही वाला कलर बहुत अच्छा लगता है। इस कलर का मेरे पास एक और गाउन है, शायद लास्ट ईयर क्रिसमस पे मैंने आप लोगों को दिखाया था वो वाला। तो ये इस तरह से है ड्रेस, बहुत सुंदर लग रही है भी, और ये भी साइज 18 में ही है। अगेन बहुत ढीली आ रही है बट इट्स ओके। तो ये थी तीन ड्रेसेस जो मुझे एवर प्रिटी ने सेंड करी थी, और यस आप इनका जो लिंक है वो चेक कर लेना। तो ये था गाउन्स का ट्राई ऑन पार्ट। आई होप आपको ये गाउन्स अच्छे लगे होंगे। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का एंड। और लंच में बनाई थी ये डिलीशियस थाली जिसकी रेसिपी आएगी कल के व्लॉग में। सो मेक श्योर कि आप कल का व्लॉग जरूर चेक करें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.